अलीगढ़ थाना कुआरसी क्षेत्र के अंतर्गत मजलिस इंसानियत गोसे आजम रहमतुल्ला के नाम एक प्रोग्राम जीवनगढ़ जाकिर नगर गली नंबर 12 में एक दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मौलाना चांद मियां बरकाती लखीमपुर खीरी वजेरा ने बताया, धार्मिक प्रोग्राम करते रहते हैं, लोगों को सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलाना इस्लाम धर्म सिखाता है। समाज में फैली बीमारी की तरह बुराइयों को मिटाना इस्लाम धर्म सिखाता है। शादी में दहेज वगैरह मांगना इस्लाम नहीं सिखाता। ऐसे उपदेश समय समय पर ईश्वर के बनाए रास्ते पर देते चले आ रहे हैं। समाज को जहालियत से बचाना इस्लाम धर्म सिखाता है, जिससे समाज को समय समय पर ज्ञान मिलता रहता है और समाज सुरक्षित रहता है। मौलाना फैजान लखीमपुर खीरी ने बताया, बुराइयों को मिटाना 5 वक्त की नमाज अदा करना ज़रूरी है। मौलाना आदिल रजा शायर बकायन ने अपनी शायरी नात से लोगों को जागरूक किया। मुख्य अतिथि मौलाना चांद मियां कादरी ने बताया, हिंदुस्तान के अंदर कोरोना महामारी से देश के अमन चैन की दुआ की गई। बताया कि हिंदुस्तान वलियों का देश है, ईश्वर हमेशा हिंदुस्तान पर नजरे इनायत फरमाता रहता है। वासियों की हिफाजत फरमाए, और ये हमारे मौलाना फैजान साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, आप इनसे चाहें तो कुछ मालूम कर सकते हैं। बाकी हम लोगों का यही जो है मामूल रहता है, जो सैकड़ों साल पहले से हमारे बुज़ुर्गों ने किया है, आबा अजदाद ने किया है, हमारे खानकाह के लोगों ने किया है सैकड़ों साल से, कि लोगों को अच्छी बातें बताना और बुराइयों से रोकना। नमाज की पाबंदी करें, सफाई सुथराई रखें, क्योंकि मुसलमान इस्लाम धर्म में सफाई के बारे में भी हमारे आका ने फरमाया है, अत्तहारतु निसफुल ईमान, पाकी जो है सफाई आधा ईमान है। नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे मुझ फकीर को मोहम्मद चांदनिया कादरी बरकाती कहता हूँ। सर, ये प्रोग्राम किया गया किस मसले में किया गया है? देखिए, हर साल हम लोग अपने गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शान में सालाना प्रोग्राम होते रहते हैं, तो आज उनकी शान में ये प्रोग्राम रख रखा है। तो ये प्रोग्राम जो है धार्मिक प्रोग्राम कहाँ कहाँ करते हैं आप? देखिए, हम लोग पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में करते हैं, जगह जगह प्रोग्राम हमारे होते रहते हैं, और कभी देश से बाहर भी जाना होता है तो वहाँ प्रोग्राम करते हैं। ये समाज में जैसे ये प्रोग्राम हो रहे हैं, कि ये किस चीज़ों से, जैसे क्या मतलब उपदेश देना चाहते हैं समाज? देखिए, हम पूरे अब ज़िला अलीगढ़ से, इस वक्त अलीगढ़ में हैं, यहाँ से हम और आपके चैनल के माध्यम से लोगों का तक ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसके साथ रहें, और जो समाज में जो बुराइयाँ फैल रही हैं, बिलखसूस इस वक्त जो दहेज की जो बुरी खसलत फैल रही है, हम उसका विरोध करते हैं कि जो लोग दहेज मांगे वहाँ रिश्ता ही ना करें, हम तो ये चाहते हैं, और दहेज की जो बुरी लानत है इससे लोग बचें, और जो समाज में शराब जुआ वगैरह है इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि लोग इससे दूर रहें और इससे बचें और अच्छे काम करें, और अपने देश के लिए हम लोग ये कहते हैं कि हमारा जो है इस्लाम कहता है कि हम अपने मुल्क की मोहब्बत ऐन ईमान है, तो हम लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और उसका भी पैगाम देते हैं, और तालीम के ऊपर भी हम कहते हैं कि अपने बच्चों को तालीम दें, आधी रोटी खाएँ और बच्चों को पढ़ाएँ, ये हमारी खानकाह बरकातिया महरम मुतहरा का पैगाम है। ये प्रोग्राम सर कहाँ हो रहा है? ये इस वक्त अलीगढ़ में और जाकिर नगर गली नंबर 12 में हो रहा है, इसमें उलमाए कराम और भी तशरीफ़ लाए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैजान रजा है। ये प्रोग्राम हो रहा है, ये किस मसले में हो रहा है? ये अवामुन नास की ऑडियंस की इस्लाह के लिए हो रहा है, और ये हुजूर चांद मियां साहब क़िबला रायपुरी की सरपरस्ती में हो रहा है, और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि तमाम नौजवानों के दिलों में और उनके जो अहल वयाल हैं उनके आपस में बेपनाह मोहब्बतें पैदा हो जाएं, और सुन्नतों पर चलने की उन्हें एक बेहतरीन ज़रिया नसीब हो जाए। इस प्रोग्राम का यही साफ तौर पर मकसद है, और यही हम हमारे पीर मोहतरम साहब का मिशन है कि सुन्नतें आम हों और घर घर दीन का काम हो। सर, ये सुनते हैं जगह जगह आप प्रोग्राम करते रहते हैं जी हिंदुस्तान में, तो कहाँ कहाँ प्रोग्राम किए हैं वैसे भी आपने पहले? जी, अभी परसों प्रोग्राम हमारा सहावर टाउन डिस्ट्रिक्ट हाथरस में, डिस्ट्रिक्ट एटा में था, और उससे कबल लखीमपुर खीरी में थे कई प्रोग्राम, उससे कबल एटा और आगरा में भी हुए हैं। हर जगह यही पैगाम देते हैं कि वक्त को देखते हुए, औलिया कराम के तरीक़े को अपनाते हुए, सिर्फ़ और सिर्फ इस देश में या दुनिया में जब तक सांसें बाकी रहें अल्लाह से डरें
और किसी के खौफ व दहशत में ना आकर के दीन के रास्ते पर चलने की कोशिश करें। हमें पता है आपको क्या चाहिए, अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट।